होलसेल बिजनेस में इन गलतियों से बचे। अगर हम हिंदुस्तान में चलने वाले व्यापार की बात करें तो यहाँ होलसेल बिजनेस करना बेहद फायदेमंद माना जाता है। होलसेल बिजनेस करने में ज्यादा झंझट भी नहीं होता और मुनाफा भी अच्छा खासा होता है, इसलिए लोग रिटेल बिजनेस से ज्यादा होलसेल बिजनेस करना पसंद करते हैं। हालांकि होलसेल बिजनेस करने के लिए आपको थोड़े ज्यादा निवेश की जरूरत होती है, पर इसमें आप जितना ज्यादा निवेश करते हैं उतना ही फायदे में रहते हैं, क्योंकि ग्राहकों की भीड़ रिटेलर से ज्यादा होलसेलर्स के यहाँ होती है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके होलसेल बिजनेस में आपको कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आइए अब जानते हैं कि होलसेलर को कौन सी गलती नहीं करनी है। अपनी प्लानिंग किसी से साझा ना करें। व्यापार करने से पहले एक बात का ध्यान रखें कि बिजनेस में किसी को भी सगा समझने की गलती ना करें। व्यापार में कभी कोई अपना नहीं होता, यहाँ हर किसी को आगे निकलने की होड़ रहती है। कई बार लोग एक दूसरे को गिराकर आगे निकलना चाहते हैं। अगर आपने किसी से प्लानिंग साझा नहीं की तो आप बिजनेस करने में सफल होंगे। प्लानिंग पर अमल करना ना भूलें। कई बार व्यापारी बिजनेस को लेकर प्लानिंग तो बहुत करते हैं, लेकिन उस पर अमल बहुत कम करते हैं। यानी व्यापार के बारे में बड़ी बड़ी बातें करने से बेहतर है कि काम करके उसका विस्तार किया जाए। जबान से ना पलटें। व्यापार करने का पहला नियम यही होता है कि व्यापारी अपनी जबान से ना पलटें। अगर आप किसी को जबान देते हैं तो उस पर खरा उतरें। अगर आप अपनी जबान से पलटते हैं तो इससे मार्केट में आपकी छवि खराब होगी। सिर्फ वर्कर्स पर निर्भर ना रहें। कई बार थोक विक्रेता माल के लेन देन के लिए पूरी तरह से वर्कर पर निर्भर हो जाते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। एक बात याद रखें, कोई भी वर्कर दूसरे के काम को अपना समझकर काम नहीं करता है। किसी पर भी पूरा काम छोड़ने से बेहतर है कि आप अपने सुपरविजन में काम कराएं, ताकि गलती की संभावना ना रहे। प्रोडक्ट क्वालिटी के साथ समझौता नहीं। देखिए, आपका व्यवहार एक तरफ और प्रोडक्ट की क्वालिटी एक तरफ। किसी भी कस्टमर से आपका व्यवहार चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन कोई प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करेगा, क्योंकि उसे भी आगे प्रोडक्ट को बेचना है। इसलिए आप किसी भी चीज का व्यापार कर रहे हो, लेकिन उसकी क्वालिटी बेहतरीन होनी चाहिए, ताकि लोगों का विश्वास आप पर खराब ना हो। होलसेल व्यापारी इन बातों का भी ख्याल रखें। तुरंत सफलता की उम्मीद ना करें। किसी भी व्यापार को सफल बनाने में समय लगता है, इसलिए आप तुरंत ही उसके सफल होने की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर आपको शुरुआत में सफलता ना भी मिले तो निराश ना हो। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस मार्केट में धूम मचा दे, तो सबसे पहले यूनिक बिजनेस आइडिया पर काम करें। अगर आप होलसेल मार्केट में एक यूनिक आइडिया लेकर हाजिर होते हैं तो धूम मचने में देर नहीं लगेगी। रिस्क लेने से ना डरें। कई बार व्यापार हमारे लिए जोखिम लेकर आता है। अगर आपको लगता है कि आप किसी तरह का जोखिम उठाने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार हैं, तो बेशक रिस्क लें। अगर रिस्क में आप हार भी गए तो क्या, वो हार भी आपको कुछ सिखा कर जाएगी। तो ये थी कुछ टिप्स जो आपको आपके बिजनेस में मदद करेंगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, और ऐसे और बिजनेस आइडियाज के लिए कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।